शब्दों की जादुई शक्ति, कैसे भाषा हमारी वास्तविकता को आकार देती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपके मुंह से निकला हर शब्द वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखता हो। लगता है कल्पना जैसा, तो तैयार हो जाइए भाषा के ब्रह्मांड की एक रोमांचक यात्रा के लिए। मैं भाषा से प्यार करता हूँ, मेरे लिए शब्द महज आवाजें या कागज पर कुछ खरोंचे नहीं है, वे हमारे अस्तित्व का सार है। जैसा कि प्रसिद्ध टेरेंस मैकेना ने एक बार कहा था, दुनिया शब्दों से बनी है। अगर आप उन शब्दों को जानते हैं जिनसे दुनिया बनी है, तो आप इसे जो चाहें वो बना सकते हैं। एक पल के लिए इस पर विचार कीजिए, शब्द सिर्फ हमारी वास्तविकता का वर्णन नहीं करते, वे इसे बनाते हैं। हम जो हर वाक्य बोलते हैं, वह ब्रह्मांड में फेंका गया एक मंत्र जैसा है, जो हमारे आस पास की दुनिया को थामता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को उद्धरण याद रखने की अद्भुत क्षमता क्यों होती है? मैं उन्हीं लोगों में से एक हूँ। जो वाक्य मुझे छूते हैं, जो मुझे रोमांचित करते हैं, जो मेरी गर्दन के पीछे के बालों को खड़ा कर देते हैं, ये असली जादू है। वे मेरे मन की दीवारों को सजाते हैं, ज्ञान और प्रेरणा का एक चित्रकारी बनाते हुए। जब मैं इन उद्धरणों को दोहराता हूँ, तो मैं सिर्फ शब्दों को नहीं दोहरा रहा होता, मैं उनका हिस्सा बन रहा होता हूँ, उनकी शक्ति को अपने अंदर समाहित कर रहा होता हूँ। ये वैसा ही है जैसा दार्शनिक वाल्टर बेंजामिन ने कहा था, हम गद्य में आनंद विभोर प्राणी बन जाते हैं, लेकिन भाषा की शक्ति बोले गए शब्दों से कहीं आगे जाती है। डीएनए के बारे में सोचिए, जीवन का कोड। हम शाब्दिक रूप से अपने मूल तक भाषा से बने हैं। हमारे जीन कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, जो हमारे अस्तित्व की कहानी लिख रहे हैं। तो अगली बार जब आप बोले, तो याद रखिए आप एक शक्तिशाली अतीन्द्रिय उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। भाषा का उपयोग इरादे से उद्देश्य के साथ करें, अपनी खुद की वास्तविकता के लेखक बनें। आखिरकार अगर दुनिया शब्दों से बनी है, तो हम जो सबसे अद्भुत कहानी कल्पना कर सकते हैं, उसे क्यों न लिखें।